अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ कैरी का सिरप। आप इसको स्टोर करके 15 डेज़ के लिए भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ की कैरी ली हुई है और यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया है। दो कैरी के लिए आपने 1 कप शुगर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ ग्रीन फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर हमें लगेगा 500 ml वाटर लगेगा। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो रॉ मैंगो है, ये जो कैरी है, इसका हमने छिलका उतार लेना है। पे देखिए कैरी का छिलका मैंने निकाल लिया है। अभी एक बर्तन लेंगे हम और इसके अंदर हम इसको कट करके कैरी को डाल देंगे। इसकी हमने सीड्स नहीं लेनी है, जो गुठली होती है अंदर वो नहीं लेनी है। अगर आप वो लोगे तो आपको जो इसका फ्लेवर है थोड़ा सा कड़वा मिलेगा, तो इसीलिए हमें इसकी जो गुठली होती है वो हमें नहीं लेनी है। बस इसे अच्छे से हम निकाल लेंगे, अब इसको कट कर लेंगे। अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी, अपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। हमें इसे इतना बॉईल करना है कि कैरी जो है वो टोटली कुक हो जाए, इतना हमें इसे कुक कर लेना है। इसको 5 to 7 मिनट तक इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 7 मिनट से अच्छे से बॉईल हो रहा है और ये जो रॉ मैंगो है, ये देखिए कैरी जो है ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे एक बार, मतलब कि इसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके लेकर आ गई हूँ, मतलब कि मैंने इसको अच्छे से पीस कर लेकर आ गई हूँ और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। ये देखिए पूरा 1 कप शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ में ही अगर आपको ऐड करना है तो ही आपने ऐड करना है ये फूड कलर और यहाँ पर काला नमक। काला नमक तो इसमें जाएगा बट कलर जो है फूड कलर ऑप्शनल है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें कुक करना है। ये शुगर है इसके अंदर तो ये ऑटोमेटिकली अभी थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा। तो बस जैसे शुगर पिघलेगी तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है, अभी लिक्विडी फॉर्म में आया है। अभी इसे हम 5 मिनट और अच्छे से कुक करेंगे और 5 मिनट के बाद में इसको मैं मतलब गैस का फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूंगी। और इसे आप 15 डेज तक फ्रिज में रख कर खा सकते हो, मतलब फ्रिज में रख कर आप इसका शरबत बनाकर इसको पी सकते हो। तो अभी मैं इसे 5 मिनट अच्छे से बॉयल आने देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से फास्ट फ्लेम पर बॉईल किया हुआ है। ये देखिए आपको सिरप की शक्ल में ये ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको ये सिरप की शक्ल में दिखने लगेगा। अभी आपने क्या करना है, गैस का फ्लेम कर देना है बंद, इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है और आपने फिर इसको छान लेना है। छानने के बाद में हमें क्या होगा कि जो भी हमने अगर इसमें थोड़े से मोटे मोटे से पार्टिकल्स हैं वो सब चले जाएंगे और जो इनप्योरिटीज़ जो भी है ये भी सब इससे छन जाएगी। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन लिया है और यहाँ पर मैंने छन्नी ले ली है और इसे मैं अच्छे से ये देखिए स्ट्रेन कर लूंगी। ये देखिए तो जितनी भी इसके अंदर हम जब शरबत बनाते हैं या फिर मैंने ग्राइंड करने में अगर कैरी रह गई होगी तो वो सब कुछ इसके अंदर रह जाएगा, मतलब ऊपर ही रह जाएगा, अंदर नहीं आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप मैं इसका जूस भी बनाकर आपको दिखाऊंगी और अगर आप चाहो तो आप इसको 10 to 15 days ही आप इसको फ्रीज में रखकर, बाहर नहीं रखिएगा, फ्रीज में रखकर आप इसको इसका जूस बना सकते हो। बस इसे मैं छान लूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, ये देखिए अब मैं आपको इसका जूस बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए जो मैंने सिरप बनाया था वो मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर आप जितना चाहो उतना, आपको जितना फ्लेवर चाहिए मैक्सिमम आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है एक ग्लास के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बर्फ ऐड कर दूंगी। ये देखिए आप चाहो तो, मैंने जैसे बताया था आपको काला खट्टा शरबत
सेम उसी तरीके से आप इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हो, और फिर आपको जब भी मन करे, आपके बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करे, तो आप इसको बर्फ बनाकर उसके ऊपर भी आप इसको इस सिरप को डालकर वो लोगों को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए मैंने कैरी का शरबत जो है वो बना लिया है। यहाँ पर देखिए कैरी का शरबत और कैरी का सिरप बनकर तैयार है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।